हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्म एंटरप्राइजेस। और दोस्तों मैं आपके लिए बॉक्स लेके आऊँ जो इन डिजिटल का है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोस्तों इन डिजिटल का है। इसका जो मॉडल नंबर होता है DTC5618। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, देखिए दोस्तों इसमें आ रहा है बैड ऑन सिग्नल, और ये हमारा जो येलो कलर का लाइट होता है यहाँ पे, जो लॉक का लाइट होता है, वो अभी जल नहीं रहा है। तो ये कंडीशन में दोस्तों हमारा क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बॉक्स ओपन करके जो फॉल्ट होते हैं वो मैं आपको दिखाते हैं। इसमें भी दोस्तों दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा अभी बॉक्स में। पहले ओपन करके और इसको चेक करेंगे, मैं आपको वोल्टेज के बारे में बताने के बाद मैं दोस्तों इसको बताता हूँ कि आपका प्रॉब्लम कहाँ से आता है इसका। दोस्तों इसमें थोड़ा गंदगी है, उसको साफ करते हैं उसके बाद से वीडियो। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार और लगा के। तो देखिए दोस्तों ये बैड ऑन सिग्नल। तो ये कंडीशन में दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पहले चेक करेंगे हम 5 वोल्ट, और ये आईसी से हमारा जो 3.3 निकलता है दोस्तों, और यहाँ पे एक आईसी लगेगा जो हमारा 1.1 निकलता है। ये होने के बाद से यहाँ पे एक देखिए रेगुलेटर का जो सिग्नल के रहता है, ये ट्यूनर के लिए रहता है दोस्तों, 3.3 देता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे 3.3 आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे क्लियर आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा था दोस्तों, यहाँ पे भी 3.3 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चेक करेंगे, यहाँ पे भी चेक करेंगे, ये सब हमारा दोस्तों क्लियर है। तो ये कंडीशन में दोस्तों हमारा ये जो ट्यूनर होता है ये खराब हो जाता है। तो दोस्तों इसका मॉडल नंबर होता है DTC5E20M8LH। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे हम चेंज करेंगे। इसमें प्रोसीजर होता है दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको तोड़ देते हैं या काट देते हैं, इससे प्रिंट खराब हो जाता है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ एकदम आसान तरीका। जैसे कि ये पंप है हमारे पास एक है, जिसमें रबड़ लगा देने का दोस्तों, ये ऐसा मिलता है हमें कंपनी की तरफ से। तो हमें एक रबड़ आता है इसका, 10 रुपये 5 रुपये का आता है दोस्तों, वो लगा ले, जिससे आप क्लियर साफ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एकदम आसानी से निकल जाता है, इसमें कुछ करना ज्यादा मेहनत नहीं रहता दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही आसानी से 2 मिनट में भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगा, और इसे ऐसे करके निकाल देंगे। देखिए कितना क्लीन निकला दोस्तों, और इसे हम अच्छे से साफ कर लेंगे। और देखिए ये हमारे पास एक दूसरा ट्यूनर है जो सेम है, सेम कंपनी सेम चीज है, उसे लगा के हम चेक करेंगे एक बार। दोस्तों हमने यहाँ पे इसे अच्छे से सोल्डिंग कर दिया, कहीं पे भी दोस्तों शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं आप। तो देखिए हमारा यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया, और अभी हम चेक करेंगे इसको फिर से। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा ये जो येलो लाइट था वो चालू भी हो गया, जो बैड ऑन सिग्नल का था वो देखिए हमारा, देखिए दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम था हमारा वो था ट्यूनर के लिए, ये ट्यूनर खराब था। जो इसका जो वैल्यूशन होता है मैं वो भी आपको आज दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मीटर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पहला होता है जो हमारा यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा भी रहेगा हमारा जो 0 रहेगा, ये जो तीसरा होता है ये भी हमारा 95, मतलब ये 1.1 रहता है दोस्तों, ठीक है ये 1.1 आएगा,
और जो हमारा तीसरा यहाँ पे चौथा भी कुछ नहीं रहेगा। ये जो पांचवा से शुरू हो गया दोस्तों, ये जैसे 3.3 यहाँ पे भी 3.3 दोस्तों, और यहाँ पे भी 3.3, ये देखिए ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा कुछ भी दोस्तों, और इसमें भी कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब ये जो तीन हमारा होता है 3.3, और जो एक लास्ट होता है जो 1.1 रहता है। तो इतना होने के बाद से दोस्तों हमारा बॉक्स 100% सॉल्व हो गया। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया कि ट्यूमर चेंज करके भी आप रिपेयर कर सकते हैं, और वोल्टेज के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।